गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इसको कहते हैं दीवार, और इस पे आपने गाइस कभी ना कभी ड्राइंग या पेंटिंग जरूर की होगी। तो आज हम इसी को फाइंड करेंगे और अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है ड्राइंग का, वो है लाइन आर्ट या लाइन ड्राइंग। सॉरी, बार बार मेरे मुंह से लाइन की जगह लॉइन निकल रहा है। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है, बट उसको आप इग्नोर करें। और लॉइन से मेरा मतलब लाइन है। लाइन ड्राइंग हम आज करने जा रहे हैं, और लाइन ड्राइंग जो है या लाइन आर्ट, ये बहुत ही सिंपल सा आर्ट है। बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ लाइंस को आड़ी टेढ़ी ऊपर नीचे, यानी वर्टिकल, डायगनल या हॉरिजॉन्टल या जिग जैग करके अपनी ड्राइंग रेडी करनी है। तो गाइस, सबसे पहले मैंने जो है एक बड़ा ही क्यूट सा चूजा बना लिया है, चिक बना लिया है, क्योंकि ये मुझे बहुत इजी लग रहा था और अपना हाथ चलाने के लिए बेस्ट लग रहा था। और इसको हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंपल लाइंस से ड्रॉ किया है, और ये निकल कर इतना क्यूट आ रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि ये मुझे खुद से ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज, आप भी इस टेक्निक को यूज़ करके जो आपका दिल करता है, जैसी ड्राइंग करना चाहते हैं वैसी ड्राइंग बना सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा हाथ सीधा करने के बाद मैंने एक फ्लावर ड्रॉ करने की सोची है, और सिर्फ बेसिक लाइन को लेकर ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा करके हमने एक बहुत क्यूट सा रोज रेडी किया है। और अब हम इसमें कलर्स करने वाले हैं, मार्कर कलर्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक से कलर्स, क्योंकि मैं इधर कलर्स नहीं कर रही आज की पेंटिंग में। मेरा जो टॉपिक है वो है कि लाइन ड्राइंग्स हम कैसे बनाते हैं। तो गाइस, अब मैं बना रही हूँ एक बहुत ही एंटीक, बहुत ही विंटेज सी ड्राइंग। बेसिकली लाइन आर्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की कॉमिक कैरेक्टर्स बनाने में, कॉमिक बुक्स में भी अगर आप देखें तो यही वाली टेक्निक यूज कर की होती है। मतलब लाइन से ही शेड्स को डार्क या लाइट बनाया जाता है। आज इस टॉपिक के लिए जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है ये स्कूटर वेस्पा। ये हमारी जी चाइल्डहुड की बहुत ही एक अच्छी सी मेमोरी है। अब मुझे वेस्पा तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसकी एक नेक्स्ट फॉर्म है स्कूटर, वो हम देखते रहते हैं। तो मैंने एक स्कूटर को जो है इंस्पिरेशन ली है और उसको ड्रॉ किया है। मार्कर से हमने कोई ऐसा फाइन कलर्स नहीं किए, थोड़े फैले फैले से ही हैं, लेकिन उसके अंदर अब हम ड्राइंग जो करेंगे वो करेंगे बेसिकली लाइन से, और उसकी शेडो जो है वो भी लाइन से ही बनाएंगे। तो गाइज, मुझे तो ये टेक्निक बहुत अच्छी लग रही है, और मैं इसे इन श्योरली फ्यूचर में जो है कुछ ना कुछ ज़रूर ड्रॉ करती रहूँगी। आने वाली वीडियोज़ में भी इस टेक्निक को यूज़ करूँगी। हमारी ड्राइंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है, और मुझे तो ये ड्राइंग बहुत ही अच्छी लग रही है, मज़े की लग रही है। आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी, और लाइन आर्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा या बोरिंग ही लगा। एनीवेज, आर्ट तो कैसा भी हो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जी मेरे तो बहुत ही दिल के करीब है आर्ट पीसेस जो होते हैं, और ये आर्ट पीस निकल के भी बहुत अच्छा आ रहा है। स्कूटर तो हमारा रेडी हो गया, लेकिन मुझे ना ये थोड़ा सा बिल्कुल ही फ्लैट तो नहीं लग रहा था, बट ठीक लग रहा था। मैं बेसिकली जो है इसके पीछे एक बैकग्राउंड ऐड करना जा रही हूँ, और वो बैकग्राउंड होगा, लेट्स सी, सोचते हैं क्या बैकग्राउंड इस पे ऐड करें। डिटेल्स ऐड करने के बाद मैंने अपना बैकग्राउंड भी सोच लिया है, और अब हम उसी को ड्रॉ करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये स्कूटर है तो ये स्ट्रीट पे खड़ा होगा, स्ट्रीट पे खड़ा है तो पीछे कोई ना कोई बिल्डिंग होगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बिल्डिंग पीछे ड्रॉ की जाए, सॉर्ट ऑफ अ लाइब्रेरी। मतलब
आप देख सकते हो कि अगर मैं इसके पीछे सिर्फ एक प्लेन लाइन से अगर बैकग्राउंड ड्रॉ करती हूँ, ऑलरेडी जो है एक कॉमिक सीन क्रिएट कर रहा है। आप भी अगर इस ड्राइंग को क्रिएट या करते हैं या रिक्रिएट करते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं ये टेक्निक कैसी लगी। मुझे तो इसको अप्लाई करके बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ईजी और फन टेक्निक है। फाइनल टचेस, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके साथ एक स्टोरी भी लिख दूं, क्योंकि ये बिल्कुल ही कॉमिक बुक्स वाली लुक देने लग गया है गाइस। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।